प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी कच्चे मकानों व झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास बनवाए जाने का प्रावधान है, परंतु कुशीनगर जनपद के फाजिलनगर बाग के नदवा बिशनपुरा गांव में पिंकी देवी सहित कुल 25 परिवारों का आवास न बनने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत समस्या है, यहाँ पे बारिश होती है तो सब पानी चूता है और खाना बनाने में दिक्कत होता है और हम लोग पढ़ने में दिक्कत होता है। एक ही घर है जिसमें हम लोग 5-6 लोग हैं जो इसी घर में रहते हैं, उसके बाद हम लोग पास खेत भी नहीं है और खेत होता था हम लोग बेच के अपना घर बना लेते हैं। सबसे कहाँ है, कभी कोई दूसरा प्रधान आता है, कभी कोई दूसरा प्रधान आता है, लेकिन हाँ अब जिस प्रधान से हम कहें वो कल बस उम्मीद देते हैं, लेकिन देखो कब तक मिलता है कब तक नहीं मिलता है। और क्या, बच्चे स्कूल जाते हैं। आवास मिलेगा तो आप लोग को क्या फ़ायदे होंगे? यही फ़ायदा होगा, सुख से सोएंगे, सुख से दो रोटी बच्चे चैन से खाएंगे, जब बच्चे खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, सास ससुर को परेशानी होता है। कई बार तो गए हैं ऑफिस में या ऐसे भी प्रधान के पास गए थे तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा आवास आया है, और सेक्रेटरी साहब आए थे जाँच हुआ तुम्हारा नहीं मिलेगा। मैंने पूछा भाई क्यों, तो बोल रहे हैं कि ऐसे ही क्या आए, वो बोल रहे हैं कि इनका आवास नहीं मिल सकता है। हम कहे ठीक है क्या करना है, सरकारी काम भैया आप जानते हैं। लगभग 25-26 लोग होंगे जो अभी नहीं बना है घर पर, बिल्कुल हमारे जैसे वो भी जीवन निर्वाह करते हैं। हम बस देखिए, हम यही चाहते हैं कि हमारा एक आवास की घर मिल जाए, उसमें हम लोग रह सके सुकून से जल्द आवास मिले ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कुशीनगर जनपद के फाजिलनगर ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454416297 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सके। मैं माधुरी चौहान, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद से, इंडिया अनहट के लिए।